हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 29 नवंबर दिन बुधवार है, वह हिंदी महीना अगहन और कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे सबसे पहले इन सीटों पर आएंगे। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतगणना 17 नवंबर को होगी। वहीं प्रदेश के 55 में से 52 जिला मुख्यालयों पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के अनुसार प्रदेश के सभी 52 जिलों के मुख्यालयों में काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। 3 दिसंबर को जिला मुख्यालयों में बनाए गए स्ट्रांग रूम से सारे मतपत्र और मशीन बाहर निकाल लिए जाएंगे। वैसे तो मतगणना देर रात तक चलेगी लेकिन प्रदेश में कुछ सिटी ऐसी हैं जहां दोपहर बाद तक हार जीत तय हो जाएगी। पहला परिणाम इंदौर 3 विधानसभा सीट से आ सकता है। इसका नतीजा दोपहर 2:30 बजे तक पता चल जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जिस विधानसभा में जितने कम बूथ होंगे वहाँ सबसे कम समय में मतगणना होती है। भोपाल जिले की विधानसभा सीटों की बात करें तो सबसे पहले भोपाल मध्य के नतीजे आ सकते हैं। वह नतीजे भी दोपहर तक आ सकते हैं जिसमें भोपाल उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के नतीजे आने का अनुमान है। इस प्रकार प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बूथों की संख्या कम है, उन सभी के परिणाम दोपहर 2:30 बजे तक आ जाएंगे। दोस्तों बालाघाट जिले से खबर है। बालाघाट जिले में ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ के चलते कलेक्टर पर गिरी है गाज। इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। दोस्तों आपको बता दें कि यह आदेश 27 नवंबर को जारी किया गया है जिसमें लिखा है जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर बालाघाट डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को तत्काल निलंबित करने हेतु। दोस्तों कलेक्टर पर आरोप है कि 27 नवंबर 2023 को अनाधिकृत रूप से ट्रेजरी रूम खुलवाकर पोस्टल वोट निकालकर कर्मचारियों को सौंप दिए गए थे जिसमें उनके द्वारा मनचाही कार्रवाई की जा रही थी, अर्थात ईवीएम से छेड़छाड़, पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ की गई थी। इसके चलते निर्वाचन आयोग से कांग्रेस ने शिकायत की है। इसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को तत्काल निलंबित किया जाए तथा गड़बड़ी करने वाले सभी कर्मचारियों को भी निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। दोस्तों पूरा मामला क्या है या फिर कांग्रेस द्वारा साजिश की जा रही है, इसके बारे में वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों मौसम में बदलाव हुआ है जिससे प्रदेश पूरी तरह से तरबतर हो गया है। 3 वेदर सिस्टम सक्रिय हो गए हैं। वहीं ठंड ने भी अपनी चाल बढ़ा दी है। नवंबर अंत तक मध्य प्रदेश का मौसम यूं ही बना रहने का अनुमान है। 29-30 नवंबर को एक बार फिर नया सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है जिसके चलते प्रदेश फिर से तरबतर होगा। इस बेमौसम बारिश द्वारा किसानों को नुकसान हो रहा है। दोस्तों पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में 30 नवंबर तक और पश्चिम मध्य प्रदेश के जिलों में 29 नवंबर तक गरज चमक तथा वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है, इसलिए थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा। दोस्तों पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने कहा कि बालाघाट जिले में जो डाक मत पत्र खुले हैं वह खोलना एक अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए बालाघाट के अफसरों को उन्होंने कड़ी शब्दों में चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बैलेट पेपरों को खोलने के मसले पर अब सियासत गर्मा गई है। कमलनाथ जी ने इस मसले पर अधिकारियों को सख्त शब्दों में हिदायत दी है कि उन्होंने कहा कि बालाघाट में जो हुआ है वह कदाचरण की श्रेणी में आता है। वहीं कांग्रेस ने इस मसले पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को शिकायत की थी और आरोप लगाया कि डाक मतपत्रों में हेराफेरी की गई है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अर्थात इस मुद्दे पर अब कांग्रेस आक्रामक हो गई है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने मामले की जानकारी मंगाई थी। वहीं भाजपा के प्रवक्ता बालाघाट जिला प्रशासन की कार्रवाई का बचाव करते हुए कांग्रेस के आरोपों पर ही सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इसमें लिप्त अधिकारी को सस्पेंड करने के बावजूद भी मामला शांत नहीं हुआ है। दोस्तों बालाघाट का मामला पूरी तरह से अब प्रदेश में गर्मा गया है। बालाघाट मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है। बालाघाट जिले में डाक मतपत्रों की समय से पहले सॉर्टिंग से उठे सवाल पर अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी गई है। फिलहाल इस मामले में नोडल अधिकारी को निलंबित किया गया है। प्रक्रियात्मक त्रुटि सामने आई है। राजन ने कहा कि मतपत्र की किसी भी तरह से गिनती नहीं हुई है, अर्थात इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, फालतू का ही बवंडर बनाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन जी ने कहा कि केवल डाक पत्र की विधानसभा वार सॉर्टिंग की जा रही थी।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के मौजूदगी में मतपत्र की सॉर्टिंग की गई थी, इसके बावजूद भी यह बाउंडर बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3 बजे के निर्धारित समय से सॉर्टिंग होनी थी, लेकिन हमारे नोडल अधिकारी ने 1:30 बजे से ही सॉर्टिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही उन्होंने सॉर्टिंग की सूचना भी ठीक तरह से नहीं दी, इसलिए उसे सस्पेंड किया गया है। हालांकि यह पूरी डिटेल चुनाव आयोग को भेज दी गई है। अब केंद्रीय चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है वह देखना होगा। दोस्तों, राजन जी ने कहा कि मतपत्रों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। दोस्तों, प्रदेश में बारिश ने बरपाया है कहर। जिले भर के खेत हो गए जिससे जलमग्न, वहीं बिजली गिरने से कई मवेशियों की भी मौत हो गई। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश ने कहर बरपा दिया है। वहीं खरगोन जिले में रविवार दोपहर से बादल छाने के बाद रिमझिम बरसात की शुरुआत हुई, जो कि धीरे धीरे तेज बारिश में बदल गई, जिसके बाद लगातार 24 घंटे तक जिले में बारिश होती रही। इसी बीच बारिश के साथ चल रही तेज हवा और आंधी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया। लगातार हो रही बारिश के बाद से कई किसानों के खेत जलमग्न हो गए, वहीं उनकी खेतों में लगी लाखों की फसलें भी बर्बाद हो गई। जानकारी के अनुसार एक किसान के घर में बिजली गिरने से 3 बैलों की मौत भी हो गई, जिसके बाद अब किसानों को सरकार से मुआवजे की आस है। किसानों का कहना है कि बारिश की फसल से पहले हुए सूखे की मार के बाद अब राहत के लिए रबी और चने की फसल से उम्मीद थी, फिर से हो रही बेमौसम बारिश ने रही सही उम्मीद को भी तोड़ दिया है। अब शासन हमारी मदद करे और राहत राशि दे। हालांकि किसानों को मुआवजा नई सरकार बनने के बाद ही मिल सकता है। दोस्तों, ठंड और बारिश ने प्रदेश में स्कूलों के समय परिवर्तित कर दिए हैं। सुबह 9 बजे से पहले नहीं लगेंगे कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल। बारिश और ठंड को देखते हुए भोपाल प्रशासन ने जिले में 1ली से लेकर के 5वीं तक के स्कूलों को सुबह 9 बजे से पहले संचालित न करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंगलवार दोपहर भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने इस आशय को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शीतकालीन मौसम प्रारंभ होने और तापमान में गिरावट को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से जिले की नर्सरी से कक्षा 5वीं तक की समस्त शैक्षणिक संस्थाएं सुबह 9 बजे से पहले संचालित नहीं होंगी। यह फैसला प्रदेश के अधिकांश जिलों में लिया गया है, जिसमें डिंडोरी जिला भी शामिल है। अर्थात डिंडोरी जिले में भी प्राइमरी कक्षाएं सुबह 9 बजे से पहले नहीं लगेंगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले ओमकारेश्वर पहुंचने लगे नेता और प्रत्याशी। विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की तिथि जैसे जैसे नजदीक आने लगी है, वैसे वैसे नेता और प्रत्याशियों की धार्मिक यात्राएं शुरू हो गई हैं। सोमवार को ओमकारेश्वर में भाजपा और कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं ने पहुंचकर भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन किए और गुरुओं से आशीर्वाद लिया, जिसमें कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह थे, वहीं भाजपा प्रत्याशी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत थे। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे थे। ये सभी नेता तथा प्रत्याशी अब भगवान की शरण में जा रहे हैं और भगवान से जीत की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव का पद अब बदलने वाला है। वीरा राणा हो सकती है मुख्य सचिव, इस पर फैसला आजकल में हो सकता है। मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव अर्थात CS पद पर वीरा राणा की नियुक्ति हो सकती है। मौजूदा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो रहा है। उन्हें एक्सटेंशन दिए जाने पर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। हालांकि उनका कार्यकाल पहले ही समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें चुनाव के चलते एक्सटेंशन दिया गया था। अब एक्सटेंशन की स्थिति में वे नहीं है, अर्थात अब प्रदेश की दूसरी महिला CS होंगी वीरा राणा। पहली CS निर्मला बोस थी, जिनका निधन जुलाई में हो गया है। दोस्तों, 5 दिसंबर से विधानसभा पहुंचेंगे नई सरकार के नए विधायक। नई विधानसभा के गठन के मद्देनजर 3 दिसंबर को घोषित होने वाले चुनाव परिणाम को देखते हुए विधानसभा सचिवालय ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए विधायकों के परिचय पत्र और अन्य सुविधाओं के साथ सबसे अधिक फोकस विधायकों को रुकने के लिए आवास व्यवस्था पर है। चूंकि जीते हुए विधायक की स्थिति 3 दिसंबर को साफ हो जाएगी, इसलिए विधानसभा सचिवालय ने इसको लेकर राज्य शासन को चिट्ठी भी लिखी है और भोपाल के रेस्ट हाउस व सर्किट हाउस दिसंबर के 15 दिनों के लिए भी बुक रखने को कहा है। इस प्रकार विधानसभा सचिवालय अब विधायकों के लिए व्यवस्था कर रहा है। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।